वेलकम टू बिग सेवन। मैं हूं मरियम फयाज और मैं हूं हसन हाशमी। सेवन न्यूज कॉरिडोर से सबसे पहले बिग हेडलाइंस। आजादी मिलने के बाद से कौम पर सरमायाकारी नहीं की गई, पूरी कौम नाअहल और बेरहम हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो जाए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने फिर आवाम का दरवाजा खटखटा दिया। आबिद शेर अली कहते हैं तहरीके इंसाफ असेंबलियों में बैठने के लायक नहीं, हुकूमत से कैसे निपटा जाए। पीपल्स पार्टी के बड़ों ने वाइस चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सरबराही में सर जोड़ लिए। अपोजिशन की बातों पर आग बगोला, कहा जरबे अस्त का फैसला मुश्तरका हुआ, प्लेटफॉर्म बताएं, सब बताने को तैयार हूं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर दाखिला ने जज की रिपोर्ट पर तनकीद की। पीपल्स पार्टी के मुताबिक चौधरी निसार ने वजाहत में भी गलत बयानी से काम लिया। लाशों की सियासत के आदि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर अपने कातिल होने का एतराफ, कहा मुजाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। और तो और कश्मीर में मजालिम का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, बराक ओबामा की अपनी इस साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पूरी दुनिया में कोई ऐसे दो मुल्क नहीं जिनके दो तरफा ताल्लुकात की इस कदर अहमियत हो। तुर्की में एक और दहशतगर्दी, सूबा कैसरिया की यूनिवर्सिटी के बाहर फौजी अहलकारों की बस के करीब धमाका, 13 फौजी हलाक, 48 से ज्यादा जख्मी हो गए। नए साल का सूरज जमीन पर नई उमंगों और जज्बात के साथ शुरू होता है। कई ममालिक ऐसे भी हैं जहां नए साल से जुड़ी कुछ रसूमात और तहमात पर भी अमल किया जाता है। इस तरह की रवायात में तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल होने का इंतजाम। और अमरीकी खलाई अदारे नासा का खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी की हालिया दरियाफ्तों में मरीख पर जिंदगी के मजीद सुराग मिलने का इंकशाफ, नासा ने दरियाफ्त को अहम पेशरफ्त और खजाने की कुंजी करार दे दिया।